वहीं मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। सरकार की ओर से सभी आरोपियों की पहचान कर लिए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं मामा का बुलडोजर पत्थरबाजी में शामिल शैतानों के घर पर उनके किए गए उनको सजा देने पर पहुंच गए हैं। रामनवमी पर दंगाइयों का बवाल, श्री राम के जयकारों के बीच मची चीख पुकार, एक्शन में मामा का बुलडोजर, तोड़े गए दंगाइयों के घर। रामनवमी के मौके पर जिन इलाकों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव की रौनक देखने को मिल रही थी, वहां सन्नाटा पसरा है। जिन गलियों में जय श्री राम नाम के जयकारे सुनाई दे रहे थे, वहाँ आज पुलिस का कड़ा पहरा है, क्योंकि यहां कुछ लोगों को रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा से परेशानी हो गई। राम नाम की धुन के साथ निकली शोभा यात्रा पर पथराव कर रंग में भंग डाल दिया। दरअसल रामनवमी पर तालाब चौक से रामनवमी की शोभा यात्रा शुरू हुई। शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। शाम करीब 6:30 बजे शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया। प्रभावित क्षेत्र में शाम 6:30 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। 6:40 पर भावसार मोहल्ले में आधे घंटे तक पथराव हुआ। उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल पर आग लगा दी। 6:45 पर टबड़ी मोहल्ला माता चौक में पेट्रोल बम फेंके गए। इस पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल अपना रामनवमी का जुलूस था, उस पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। खरगोन में राम भक्तों पर पत्थर चले तो शिवराज सरकार दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में आ गई। 24 घंटे से कम वक्त में ही अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद उपद्रवियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर चल पड़ा। बदमाशों के घर जमीन दोस्त किए गए। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। आप दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस सरहगी राग अलाप रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस दंगे को प्रायोजित बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब प्रायोजित है। 2023 में भाजपा अपनी असफलता को छिपाने के लिए वे पूरे देश में प्रदेश में दंगे करा रहे हैं। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। अपराधियों के मकान तोड़ने के साथ ही सरकार ने साफ किया कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राम की शोभा यात्रा से किसको परेशानी? वो कौन लोग हैं जिससे राम की शोभा यात्रा मंजूर नहीं? ऐसे कई सवाल जो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग शांति के टापू मध्य प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।